Hi friends, my name is Anurag Chaurasia and my channel is AB Sir 2.5। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की जो है केमिस्ट्री। देखिए इसमें जो है आप लोग को बहुत ही सरलता से इस केमिस्ट्री को जो है पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम पार्ट वन सॉल्यूशन चैप्टर वन का जो है पार्ट वन डाल दिए हैं, अब पार्ट टू को जो है हम डालेंगे, ठीक है। ये पार्ट टू है हमारा। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो है हम लोग जो विलयन का प्रकार था, विलयन के प्रकार को पढ़ लिए थे, उसमें जो गुणात्मक मान थे जैसे मोलरता, मोललता, मोल अंशता, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल प्रभाज एवं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत एवं आयतन प्रतिशत में संबंध और पार्ट प्रति मिलियन, इन सभी के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे विलेयता के बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारा विलेयता क्या होता है, विलेयता है ना, विलेयता, ठीक है। तो विलेयता को बताने के पहले सर्वप्रथम मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि विलेयता देखिए क्या है। कहने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ को जैसे दो प्रकार के पदार्थ है, विलेय और विलायक, को ताप एवं दाब है ना, निश्चित ताप एवं दाब पर जब हम उसको मिलाते हैं तो वो कितना मिल पाता है और कितना नहीं मिल पाता है, यही सब हम विलेयता के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए विलेयता क्या होता है कि पदार्थ किस पदार्थ में आसानी से घुल जाता है और किस पदार्थ में आसानी से नहीं घुलता है, ठीक है। तो अगर हम जो है चीनी और जो है नमक की बात करें, है ना, ग्लूकोज एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये जो है ये पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाता है ना, जबकि ये जो अगर इसको हम लोग बेंजीन में घोले तो ये बेंजीन में आसानी से नहीं घुलता है। इसका मतलब ये है कि इसकी विलेयता यानी कि इसकी शुद्ध विलेयता पानी के साथ है ना, बेंजीन के साथ नहीं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे नाफ्थालीन है, पैराफीन है, ये सब जो है क्या होते हैं, बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं परंतु पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो इनकी एक प्रकार की विलेयता है, यही विलेयता हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए विलेयता का डिफिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए इसको हम कहेंगे किसी अवयव, किसी देखिए बहुत छोटा लिखता हूँ, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, किसी अवयव का निश्चित मात्रा ताप दाब एवं सांद्रता पर आसानी से घुल जाती है, विलेयता कहलाती है, मतलब ये जो गुण होता है वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। तो देखिए विलेयता का डेफिनेशन है क्या कि किसी अवयव का, कोई भी अवयव हो चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो, का निश्चित ताप, निश्चित मात्रा है ना, ताप दाब एवं सांद्रता पर आसानी से घुल जाती है, विलेयता कहलाती है। देखिए विलेयता दो प्रकार की होती है, घुले और न घुले, ये दोनों प्रकार की विलेयता है। अब इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या NaCl है ना एवं C6H12 ये ले लीजिए, H12, H22, O11 ये जो पदार्थ है क्या होता है, जल में H2O में आसानी से घुल जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। परंतु यही पदार्थ आसानी से C6H6 में नहीं घुलता है ना। तो ये एक प्रकार का हमारा एग्जांपल है, यानी कि विलेयता, इसकी विलेयता किसमें है, जिसमें आसानी से वो घुल जाए, उसकी अधिकतम मात्रा किस पे, निश्चित ताप और निश्चित दाब पे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा विलेयता जो है किन किन कारकों पे जो है निर्भर करता है ये हम देखेंगे। तो देखिए विलेयता जो है इन्हीं तीन कारकों पे निर्भर करेगा, कौन कौन से, ताप दाब एवं सांद्रता, ठीक है, ताप दाब एवं सांद्रता। तो इसको पढ़ने के पहले देखिए हम
विलीनीकरण को जान लेते हैं। विलीनीकरण क्या होता है? विलीनीकरण, 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 ठीक है ना। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा है ना, किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा यदि आसानी से घुल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विलीनीकरण। ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं, यानी कि किसी पदार्थ का विलायक में घुलना है, विलीनीकरण कहलाता है। विलीन का मतलब विलीन हो जाना या घुल जाना, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए आगे जो है हमारा कि पदार्थ की जो हम लोग कारक देख रहे थे, ये जो पदार्थ होते हैं ये दो तीन प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? ठोस, द्रव एवं गैस, है ना। ये जो है, ये जो चीज है, ये तीन कारकों पे निर्भर करेगा। किस पे? ताप, दाब एवं सांद्रता, तीन चीज पे जो ये निर्भर करता है, ठीक है। तो ताप, दाब एवं सांद्रता पर ये तीन चीज तीनों कारकों पे जो है प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ठोस एवं द्रव का प्रभाव ले लेते हैं, ठोस एवं द्रव के कारक एवं प्रभाव, है ना, ठोस एवं द्रव के कारक एवं प्रभाव। तो इसको देखिए हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे इस हेडिंग को हम ये भी बता सकते हैं कि ठोस है ना का द्रव में विलेयता, ठोस का द्रव में विलेयता, ठीक है ना, ठोस का द्रव में विलेयता। तो देखिए ठोस का द्रव में विलेयता, या ये कह सकते हैं ठोस एवं द्रव के कारक एवं प्रभाव। ये देखिए एनसीईआरटी का जो है एक प्रकार का ये आप लोग का पॉइंट दिया है, ठीक है ना। इस पॉइंट को अब हम लोग देख लेंगे, यही पॉइंट यही कल आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें, इसको बस हम सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे कि ये क्या कहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको विलेयता का एग्जाम्पल बताया था, क्या कि जो चीनी और नमक है ये जो है क्या होता है कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं परंतु बेंजीन में नहीं, है ना। तो देखिए चीनी या नमक ये क्या कहलाएगा? ठोस। NaCl ये क्या कहलाएगा? ठोस। और पानी ये क्या कहलाएगा? द्रव, है ना। इनकी जो विलेयता है, इनकी जो विलेयता है ये संतृप्त विलेयता है। अब देखिए संतृप्त विलेयता हम किसे कहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संतृप्त विलेयता, संतृप्त विलेयता, इनकी जो विलेयता है ये संतृप्त विलेयता है, यानी कि ठोस एवं द्रव का, यानी कि विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक जब आसानी से घुल जाते हैं, है ना, जब विलेय एवं विलायक जब आसानी से घुल जाते हैं तो यह विलयन, तो यह विलयन संतृप्त विलेयता का गुण रखता है ना, संतृप्त विलेयता का गुण रखता है, ठीक है। और ठीक इसी का उल्टा क्या है? असंतृप्त विलेयता। अब देखिए हमने कहा कि जब नमक और पानी, है ना, यानी कि जब पानी की जगह पे हम अगर C6H6 ले लेते हैं, क्या बेंजीन, ये बेंजीन का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अगर C6H6 ले लेते हैं बेंजीन, तो क्या यह घुलेगा आसानी से? नहीं घुलेगा। अर्थात जब विलेय एवं विलायक जब आसानी से नहीं घुलते हैं, जब आसानी से नहीं घुलते हैं तो क्या कहलाता है? यह विलयन का यह जो गुण है, यह गुण क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन जो है कहलाएगा, ठीक है। तो संतृप्त और असंतृप्त के बारे में जान लिए, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग चलते हैं, इसका गुण देखते हैं क्या है, ठीक है, इसके आगे का पॉइंट, ठीक।
तो देखिए अब आगे का पॉइंट इसका क्या है, आगे का जो इसका पॉइंट है, ये जो ये एक प्रकार का जो विलेन बनेगा, इस विलेन पे कुछ कारक जो है प्रभाव डालेंगे, है ना, इस विलेन पे कुछ कारक जो है प्रभाव डालेंगे। तो इसमें अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट है ताप का प्रभाव, है ना, ताप का प्रभाव, है ना, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखिए अभी इस जो इस प्रकार का जो संतृप्त और असंतृप्त विलयन बन रहे हैं, यानी कि जो ठोस और द्रव के बीच जो संबंध हो रहा है ना, इस संबंध पे कुछ कारक जो है अभिक्रिया मतलब प्रभाव डालेंगे। तो इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमारा है ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम विलय, यानी कि देखिए ये एक प्रकार का हम पात्र लिए, है ना, ये एक प्रकार का पात्र लिए, इसके नीचे से हम ये बर्नर लगा दिए, अब इसमें हम पानी डाल दिए, है ना। तो देखिए ताप के प्रभाव से विलयता पे या विलयन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये अभी हम केवल इसमें क्या लिया, H2O लिए, ठीक, ये हम बर्नर लगा दिए नीचे, ठीक है। अब देखिए H2O ले लिए, अब इसमें हम क्या मिलाते हैं, NaCl, देखिए NaCl C12H22O11, ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील। आप सोचेंगे कैसे अवाष्पशील, देखिए जब हम चीनी को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब चीनी को हम कहीं भी ऐसे छोड़ देते हैं, हम अपने बॉक्स में एकदम मतलब हम लोग अपने बॉक्स में रखे रहते हैं चीनी को, तो क्या वह गैस का रूप धारण करके उड़ जाता है, नहीं, है ना। यानी कि नमक भी, नमक के अंदर भी यह गुण नहीं, ये हो सकता है कि वो जो है हल्का सा नमी खा के जो है पृथ्वी के अंदर अवशोषित हो जाए, लेकिन वो कभी वाष्प बन के उड़ता नहीं है। यही कार्य होता है कि जब हम मिष्टान्न सामग्री का निर्माण करते हैं चीनी से, तो चीनी की अत्यधिक मात्रा हमेशा उपस्थित रहती है, वो कभी वाष्प बन के उड़ता नहीं है। जबकि पानी में वाष्प, और पानी जो है वाष्पशील पदार्थ है, उसमें उसे जो है अवाष्पशील पदार्थ जो है हम नहीं कहेंगे, वो वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो है NaCl एवं चीनी, यानी कि चीनी और नमक, ये क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। अब देखिए मैं बता क्या रहा था कि ताप का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें नमक डाल दिया, अभी हम बर्नर की आग को जलाए नहीं, ठीक है, तो इस समय अब ये नमक घुलने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, पूरे 2 हवर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पे ताप का प्रभाव डाल दें, यानी कि इसमें जब हम ताप देने लगेंगे, तो ये जो पानी है ये बॉइलिंग करने लगेगा और नमक को पूरे आसानी से अपने अंदर घुला लेगा। यानी कि ताप के प्रभाव से क्या हुआ, ताप के प्रभाव से यह हुआ कि इसकी विलयता जो है क्या हुई, बढ़ गई। इसमें जो नमक के कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें जो जल की कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि ताप के प्रभाव से क्या होता है, विलयता बढ़ जाती है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका, कि ताप के प्रभाव से क्या होता है, विलयन की विलयता बढ़ती है कि घटती है, तो क्या कहेंगे, बढ़ती है। आप सोच के बता सकते हैं कि क्या होगा कि जब हम पानी में नमक को डाल के इसे छोड़ देंगे, तो करीब करीब उसको घुलने में 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर उस पर हम ताप का प्रभाव देते हैं, अगर उसको हम गर्म करने लगे, तो बहुत आसानी से लगभग 5 ही मिनट में जो है वो घुल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ताप के प्रभाव के बाद अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। अब देखिए इसमें जो हम ताप का प्रभाव पड़े हैं, ठीक है ना, अब ताप के प्रभाव से अब इसमें हम क्या करेंगे, लासातेलिए नियम को जो है देखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है नियम है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए लासातेलिए का नियम क्या कह रहा है, ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि किसी साम्य निकाय के किसी कारक, जैसे यदि किसी साम्य निकाय, साम्य का मतलब सबसे सबसे बड़ी बात होती है साम्य समझना, साम्य को कहते हैं इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, है ना, इसको समझना सबसे अत्यधिक है। देखिए
जब अग्र अभिक्रिया की वेग एवं पश्च अभिक्रिया की वेग आपस में समान हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था, है ना। और इक्विलिब्रियम में हमेशा जो एरो लगता है, ये वाला लगता है, इस एरो को हम लोग कहते हैं क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये हमेशा एरो जो है लगता है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्यावस्था आती है, ये बात ध्यान दीजिएगा, कभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था नहीं आती है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान देना है कि ये जैसे मान लीजिए कि हम जल से जब हम बना दिए क्या बर्फ, है ना, तो बर्फ से जल भी बन सकता है, यानी कि ये अग्र अभिक्रिया की वेग जब ये बर्फ बनने जा रहा है और जब बर्फ से ये जल बनने जा रहा है, यानी कि दोनों की जो समान अवस्था है, यानी कि अग्र अभिक्रिया की वेग और पश्च अभिक्रिया की वेग में जो जो समानता है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, जैसे साम्यावस्था कहते हैं। जैसे अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, यह एक अग्र अभिक्रिया और यह पश्च अभिक्रिया है, जब ये दोनों आपस में चलते हैं तो यहाँ पर इनकी जो अवस्था है वो अवस्था साम्य की है ना, तो इस अवस्था को हम लोग कहते क्या है साम्यावस्था, ठीक है। यानी कि साम्यावस्था क्या होता है कि देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था आएगा निकाय के, अब देखिए साम्यावस्था, अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया साम्यावस्था है, है ना, यहीं पर आके रुक गई। अब हम यह देखना चाहते हैं कि यह अभिक्रिया किधर विस्थापित होती है, तो इस पे ताप का प्रभाव लगाएंगे, तो ताप का प्रभाव लगाने से अग्र अभिक्रिया में जा सकती है या तो पश्च अभिक्रिया में जा सकती है। अब इस अभिक्रिया पे हम दाब का प्रभाव लगाएंगे तो यह अभिक्रिया अग्र दिशा में जा सकती है या तो पश्च दिशा में जा सकती है या तो परिवर्तन ही ना हो। अब इसमें हम सांद्रता का प्रयोग करेंगे, या तो यह अग्र दिशा में जाएगी या तो पश्च दिशा में जाएगी या तो परिवर्तन ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यह चीज को देखेंगे, तो देखिए साम्यावस्था को आप लोग समझिए, सबसे अच्छी चीज है ला सातेलिए के नियम के अनुसार, यदि किसी साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप दाब एवं सांद्रता, ये तीन चीज जो है बहुत मुश्किल पार्ट है, है ना, ताप दाब एवं सांद्रता आदि परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे इन कारकों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, है ना। जैसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक प्रकार की अभिक्रिया है, ए से हमको बी को बनाना है, है ना, ए से हमको बी को बनाना है, तो इसपे हम क्या कर दिए ताप का प्रभाव लगा दिए, ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव जब हम लगाए तो यह अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिधर ताप क्या हो नष्ट हो, है ना, जिधर ताप का प्रभाव क्या हो जाए नष्ट हो जाए। तो अगर यह अभिक्रिया इधर नष्ट होती है पश्च दिशा में, यानी कि पश्च दिशा में, तब अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी, अग्र दिशा में नष्ट होता है तो अग्र दिशा में होगी, यानी कि जिधर ताप की जो है क्या होगी कमी होगी उधर यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी विस्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस नियम को समझ जाइए, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, क्या है कि यदि किसी साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप दाब एवं सांद्रता आदि परिवर्तन कर दिए जाए तो उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे इन कारकों का प्रभाव नष्ट हो जाए, अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगा, ठीक है। तो इस नियम को आप लोग समझ गए। अब इस नियम को समझने के बाद आपको जो है इसके तीनों कारकों को जो है रख के दिखा दिया दिखाया जा रहा है कि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यदि इस नियम पे, है ना, इस नियम पे या साम्यावस्था में, है ना, साम्यावस्था में यदि हम क्या करते हैं ताप का प्रभाव लगाते हैं ला सातेलिए नियम के अनुसार, है ना, क्या लगाते हैं ताप का प्रभाव, है ना, ताप का प्रभाव। तो देखिए अगर अभिक्रिया, अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना, यदि अभिक्रिया, पहला पॉइंट, अगर अभिक्रिया क्या है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, यदि अभिक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता है ना, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो यह अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, अग्र दिशा में क्या होगी विस्थापित होगी, अग्र दिशा में विस्थापित होती है, है ना, अग्र दिशा में। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी, है ना, ऊष्मा छेपी, अगर यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है तो यह अभिक्रिया क्या होगा पश्च दिशा में, पश्च दिशा में विस्थापित होगा, पश्च दिशा में विस्थापित होगा। यह अभिक्रिया क्या होता है, यदि यह अभिक्रिया
उष्मा क्षेपी हो, है ना, अगर अभी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होगा तो यह पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगा। अगर इस पर जो है कोई प्रभाव ना हो, यानी कि न ताप का प्रभाव ना हो, है ना, प्रभाव न हो तो यह अभिक्रिया विस्थापित नहीं होगी, विस्थापित नहीं होगी। यह भी उसी नियम पे है ना, यानी कि ताप के प्रभाव में अगर अभिक्रिया उतना सोची है तो यह लासार के लिए नियम के अनुसार अग्र दिशा में होगा, उष्मा क्षेपी है तो पश्च दिशा में। अगर उस पर कोई प्रभाव कोई नहीं अभिक्रिया है, यानी कि न उष्मा क्षेपी और न ही उस पर ताप का प्रभाव है ही नहीं, तो अभिक्रिया विस्थापित नहीं होगी, ठीक है, साम्यावस्था पे रुकी रहेगी, ठीक है। तो देखिए उष्मा क्षेपी का मतलब क्या है, या उष्मा शोषी का मतलब है उष्मा को सोखने वाला, यानी कि उष्मा को लेने वाला, है ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा दिया जाता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उष्मा देते हैं, यानी कि खाना बनाने की जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, उष्मा शोषी, है ना। अब देखिए हमारा श्वसन की जो अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया से हमारा शरीर का टेम्परेचर बना रहता है, यानी कि जो श्वसन अभिक्रिया हमारा क्या है, उष्मा क्षेपी। ये पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि जो श्वसन अभिक्रिया है क्या है, उष्मा शोषी की उष्मा क्षेपी की ताप का कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे कि ये उष्मा क्षेपी है, क्योंकि हमारा शरीर जो है टेम्परेचर बनाए रखता है, ठीक है, हमारे शरीर से जो है ताप निकलते हैं, ठीक है, यानी कि जिस अभिक्रिया से ताप प्राप्त होता है उसे उष्मा क्षेपी कहते हैं। अब देखिए ताप के प्रभाव के बाद, अब जो है ताप के प्रभाव के बाद देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे दाब का प्रभाव, किसका प्रभाव, दाब का, है ना, ये दूसरा पॉइंट है दाब का प्रभाव। इसमें पहला देखिए क्या है, यदि आयतन में क्या होती है, आयतन में कमी होती है ना, अगर आयतन में कमी होती है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगा, अग्र दिशा में होगा, ठीक है, विस्थापित होगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं ए प्लस बी, इसकी आयतन अधिक है, और जब यहाँ सी बना तो आयतन कम हो गया, यानी कि जब आयतन में कमी हुई तो अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो गई, है ना, अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो गई और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अधिक उत्पन्न हुआ, कितना हुआ, अधिक उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आयतन में कमी के बाद जब हम आयतन में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, दूसरी चीज आयतन में वृद्धि, है ना, और जब आयतन में हम वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया जो है पश्च दिशा में होगा, है ना, अभिक्रिया जो है पश्च दिशा में होगा, यानी कि आयतन में जब वृद्धि कर देते हैं, जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए सी से अब हम बना रहे क्या ए प्लस डी, यानी कि अभिकारक एक ही है, आप प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया, दो, यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी ये पश्च दिशा में विस्थापित होगी, किस दिशा में, पश्च दिशा में, है ना। या देखिए जब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जब छोटे पात्र में लेके हम उसको प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने पर जो है क्या होता है, अभिक्रिया अग्र दिशा में हो जाती है, और जब आयतन में कमी करते हैं, यानी कि इस पे आयतन में कमी, यानी कि आयतन को बढ़ाते हैं, जब आयतन को बढ़ाएंगे तो हमारा अभिक्रिया क्या होगा, पश्च दिशा में होगा। देखिए अब उसके बाद आयतन में यदि हम कोई परिवर्तन न करें, तीसरा पॉइंट है आयतन में कोई परिवर्तन न करें, है ना, यानी कि दाब जब नहीं लगाते हैं, दाब का प्रयोग जब नहीं होता है तब अभिक्रिया पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज जो है हम लोग दाब का प्रभाव जान गए, अब उसके बाद दाब के प्रभाव के बाद देखिए अब हम चलेंगे सांद्रता पर, हम तीन कारण जानते हैं, तीन कारण ताप दाब सांद्रता, अब ये हम तीसरा जान गए, क्या तीसरा हम जानेंगे, क्या सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। देखिए पहला पॉइंट, यदि हम किसी अभिक्रिया में सांद्रता बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं, है ना, जब बढ़ाएंगे तो क्या आगा, बढ़ाने से बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगा, और दूसरी चीज यदि सांद्रता को हम लोग क्या करेंगे, कम करते हैं,
तो अभिक्रिया जो है पश्च दिशा में होगा। यदि सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं तो अभिक्रिया पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। यदि हम सांद्रता पर या सांद्रता बढ़ाते ही नहीं है, यानी कि सांद्रता का कोई भी हम वैल्यू नहीं लेते हैं, है ना, सांद्रता का प्रयोग न करें, प्रयोग न करें, तो अभिक्रिया भी अभिक्रिया पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको समझना है तो आप समझ ही सकते हैं कि हमको कैसे बताना है। आप बता देंगे कि ऐसे कि देखिए लासातेलिए का नियम यह है, इस नियम के अनुसार यदि कोई अभिक्रिया है उस पर तीन कारक हम लगाएंगे, ताप दाब सांद्रता है, तो अभिक्रिया उस दिशा में होगी जिधर ये कारक जो है समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, और जब सांद्रता घटाएंगे तो पश्च दिशा में, और सांद्रता का प्रयोग न करेंगे तो अभिक्रिया पर भी कोई प्रयोग नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट देखिए, गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता क्या है, तो इसको समझने के पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या है। देखिए कि हम जानते हैं, है ना, कि हमारा जो जल है, जल में हमारी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा जो है घुली हुई होती है, बहुत कम मात्रा, जो जल के जीवन को जीवित रखती है, है ना, जल के जीवन को जीवित रखती है कौन, जो जल में थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है, ये जो है जल के जीवन को जीवित रखता है। ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलेयता को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए गैसों की द्रव में विलेयता यानी कि इसमें जो है यदि हम ताप का प्रभाव लगाते हैं, दाब का प्रभाव लगाते हैं तो क्या होगा, सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा। देखिए हम जो लासातेलिए का नियम जो पढ़े हैं, तो लासातेलिए के नियम में हमने तीनों प्रभाव बता दिया है, है ना। यदि ताप का प्रभाव उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, दाब का प्रभाव यदि चैप्टर वाइज देखा जाए तो लासातेलिए नियम जो है दाब के प्रभाव से उसपे जो द्रव और ठोस का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दाब की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं क्या गैस की द्रव में विलेयता, यहाँ पे जो है ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि ताप का कोई बहुत बड़ा इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, ये ताप की वजह से ये बहुत बड़ा कोई रूल फॉलो नहीं कराएगा। क्योंकि देखिए गैस की जो है द्रव में विलेयता है, यानी कि यदि हम ये पानी ले लेते हैं, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुली है, और जब इसमें हम ताप देने लग गए, और ताप जब हम देने लग जाएंगे तो ताप देने से क्या होगा, इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होगी, घुल घुल कर जो है गैस बनकर उड़ जाएगी, है ना। तो जब ये गैस बन के उड़ जाएगी तो हमें यह लग रहा है कि इस पे जो है ताप का प्रभाव अत्यधिक प्रभावित नहीं करेगा, इसमें हमको महत्वपूर्ण क्या लग रहा है, दाब, यानी कि जब हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा, गैस की द्रव में विलेयता का कुछ हमें प्रभाव अवश्य प्राप्त होगा। जैसे देखिए यदि हम दो प्रकार का पात्र ले लेते हैं, ये आप लोग अपने किताब में देखे होंगे, है ना, दो प्रकार का पात्र ले लिए, यहाँ पे हमने एक प्रकार की पिस्टन लगा दी, है ना, पिस्टन लगा दिए। अब पिस्टन लगाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इतना मात्रा में जो है क्या रखे हैं, जल रखे हैं। तो देखिए ये जो इतना खाली स्थान है इस पे हम W1 रख दे रहे हैं, मतलब भार का एक टुकड़ा। ठीक है, ये जो है इतना ऊपर इसलिए उठा हुआ है, इतने बीच की इसके बीच में जो गैपिंग है, यानी कि इसके बीच में क्या उपस्थित है, गैस उपस्थित है, क्या उपस्थित है, गैस, है ना। यानी कि अब हम यह सोच रहे हैं कि ये जो पानी है, है ना, ये वही चित्र है, है ना, ये जो पानी है, इस पानी में जो W1 है, यदि इसकी मात्रा हम बढ़ा दें, तो यदि जब इसकी मात्रा हम बढ़ा देंगे तो इसकी मात्रा बढ़ाने से क्या इस पे कोई प्रभाव होगा, हाँ प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव यह होगा कि ये जो है जब इसके हम भार को बढ़ाएंगे, यानी कि इस पे हम जब दाब बढ़ाएंगे, इस पे जब हम क्या कर रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, यानी कि भार के हमने तीन टुकड़ों को रख दिया, यानी कि जब इस पे हम दाब बढ़ा रहे हैं तो
ये क्या हो रहा है, गैस की द्रव में विलयता जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं कि इस पे जब हम दाब लगा रहे हैं ना, यानी कि इस पे जब हम दाब लगा रहे हैं तो ये जो पिस्टन नीचे दब रहा है, यानी कि नीचे दबने से इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ाने से इसमें जो उपस्थित गैस की मात्रा है ये क्या हो गई, पानी में घुल गई है ना। अब देखिए पानी में घुल जाने के बाद इसे, यह एक प्रकार का नियम है, यह नियम जो है दिया हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, हेनरी नियम। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी नियम। अब देखिए हेनरी नियम कहलाता क्या है ना, ये बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए क्या हेनरी नियम क्या है कि हेनरी नियम क्या है कि जब किसी गैस को दाब लगाकर उसे द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। जब किसी गैस को दाब द्वारा द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह नियम क्या कहलाता है, हेनरी नियम कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें हेनरी नियम ही फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पे W1 था, इसके बीच में गैस था, और जब हमने दाब बढ़ा दिया तो ये जो गैस था ये जो है जल में घुल गया, यानी कि गैस की जो मात्रा है वो द्रव में कन्वर्ट हो गई, अर्थात ये नियम कौन सा है, हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम, अब यहाँ पर देखिए क्या है, हेनरी का नियम। ठीक ना, यानी कि अब देखिए कुछ हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए ये मनुष्य है ना, ये उतना बढ़िया तो नहीं है लेकिन है मनुष्य है ना, ऐसा लग रहा है कि इसका जो है भाव हमारे मन के अंदर जो है प्रकट हो रहा है कि हाँ ये आदमी है। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा नासा गुहा है ना। अब ये नासा गुहा है, अब उसके बाद जो है ये हम देख लेते हैं इनका ये जो है ऐसे फेफड़ा होगा है ना। ठीक, अब इसमें ये सोचिए कि अब कभी हम ये नहीं सोचे कि हमारे जो नसों में ऑक्सीजन जो है जो घुल के दौड़ती है वो घुलती कैसे है, वो हेनरी नियम पर घुलती है। आप देखिए कैसे, जब हम ऑक्सीजन को यहाँ से लेते हैं तो ये नासा गुहा के रास्ते होते हुए ये क्या आता है, यहाँ के बीच में जो है छिद्रांश लगे होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ऐसे प्रेशर बनाते हैं, इससे करोड़ों जो है नसें जुड़ी होती है, लाखों नसें जुड़ी होती है। तो जब यह ऑक्सीजन इसके बीच में आता है तो इसमें ब्लड भी उपस्थित होता है, तो जब ऑक्सीजन इसके बीच में आता है तो उस पे क्या करता है, प्रेशर डालता है, और जब प्रेशर डालता है ना तो ये जो गैस है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। यानी हमारा जो ब्लड है वो द्रव का ही तो अवस्था है, तो जब द्रव की अवस्था में ऑक्सीजन घुल गया तो यानी कि अब ये हमारे शरीर में पूरा जो है संचलित होगा, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की घुलने की जो अवस्था है वो किस नियम पर है, हेनरी के नियम पर है। तो हेनरी का नियम हमें इतना सब कुछ बता गया क्या कि यदि हम किसी गैस को, जैसे मान लीजिए हम बलून लाते हैं है ना खरीद के, तो बलून जब लाएंगे तो उसको यदि हम फोड़ते नहीं है कुछ दिन तक ऐसे रख दें तो बलून के नीचे हम देखेंगे कि छोटी छोटी वाष्प की बूंदे बन जाती है, यानी कि उस पे जो प्रेशर लगता है, बलून के अंदर जो गैस रहती है उस पे जब प्रेशर लगता है तो वह गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। यानी कि यदि अब देखिए जब बलून हम लेते हैं है ना, तो कुछ समय बाद अगर वो फूट भी जाता है तो फूटने के बाद उसके अंदर का हम देखते हैं तो उस पे ऐसा लगा होता है कि जैसे पानी लगा हुआ है, यानी कि वही जो गैस था वही द्रव में कन्वर्ट हो गया। कैसे, जब दाब उस पे लगा तब, यह दाब लगने पर जब गैस द्रव अवस्था में चेंज हो जा रही है तो कौन सी नियम है, ये हेनरी नियम है। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसके आगे चलते हैं, देखिए अब हेनरी नियम क्या है ना, इसके अनुसार अभी हेनरी नियम को बताए हुए पूरे विस्तार से, इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता है ना, द्रव अर्थात विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब है ना के समानुपाती होता है ना। हेनरी नियम के अनुसार क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के जो है क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लिखने के बाद इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है, वीडियो को रोके
ठीक, अब इसके बाद जो हम चलते हैं कहाँ पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं इसे थोड़ा सा और आप लोग को बता देते हैं। देखिए, जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे ना, इसका जो है इसका जो है अध्ययन उन्हीं के समकालीन में जो है कर चुके थे। तो उन्होंने यह बताया कि जो गैस की आंतरिक दाब होती है ना, जो गैस पे पड़ने वाला दाब होता है वो क्या होता है, गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, तो यानी कि गैस के मूल अंश के समानुपाती है तो इसका नियम क्या होगा। देखिए, यानी कि देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्या, यानी कि गैस का आंशिक दाब है ना, विलयन के मूल अंश क्या होता है यक्स, और दाब को ले लीजिए क्या पी, विलयन के मूल अंश के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहीं से हम इसका जो है नियम प्राप्त करेंगे। क्या देखिए, यह कह रहा है गैस का आंशिक दाब यानी कि पी किसके समानुपाती है, मूल अंश यक्ष के। यानी कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, KHx, ठीक है, KHx। अब देखिए यही हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, हेनरी लॉ हो गया, या हेनरी नियम, या हेनरी का जो है फार्मूला ये हमारा हो गया, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है परीक्षा में आप लोग के, ठीक है। द्रव की गैसों की जो है द्रव में विलयता क्या है, गैस के आंतरिक दाब पी विलयन के मूल अंश यक्ष के जो है समानुपाती होता है, यानी कि पी प्रोपोर्शनल यक्ष, पी इक्वल टू यक्ष, पी इक्वल टू के एच यक्ष। यानी कि जब प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ, कांस्टेंट के एच, यानी कि कांस्टेंट ऑफ हेनरी, ठीक है। ये जो है आप लोग का जो है हेनरी नियम प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग को ये बताया गया है कि अब इसमें जो है आप लोग के एनसीईआरटी बुक में जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं इस टॉपिक के बाद, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एक सोल्यूशन का जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, और पहले चैप्टर का जैसे मैंने सोल्यूशन का एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को जो है क्वेश्चन के बारे में बताया गया था, उसी तरीके से इसका भी मैं हर चैप्टर का जो है एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी सोल्यूशनों को हल कराएंगे जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, अधिकतर आपको जो है परीक्षा में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरे साथ बने रहिए। अब चलिए जो है अगले पॉइंट की तरफ जो है हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है द्रवी विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है ना। तो द्रवी विलयनों का वाष्प दाब देखिए, इसमें हमको दो पॉइंट पढ़ना रहता है, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। इसमें हमको द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब हमको, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह विलयन है ना, वह विलयन जिसमें द्रव जरूर इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसमें हमको द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब पढ़ना है, यानी कि इसमें हमारा पहला पॉइंट है द्रवों का द्रव में विलयन, है ना, द्रवों का द्रव में विलयन, ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट हमारा है ठोसों का द्रवों में विलयन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब में पहला हमारा पॉइंट है द्रव का द्रव में विलयन, और दूसरा हमारा है ठोसों का द्रव में विलयन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, द्रव में विलयन, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अब चलते हैं द्रव का
द्रोण में विलेन को जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ये जो नियम है ये राल्ट नामक वैज्ञानिक ने जो है दिया था, ठीक है। तो राल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि अगर हम द्विअंगी विलेन यानी कि द्विअंगी विलेन यानी कि दो प्रकार का ऐसा ऐसा विलेन जिसमें दो अंग हो, है ना, ऐसा विलेन जिसमें दो अंग हो, तो उसके उस विलेन के जो आंशिक दाब होते हैं, है ना, उसके मूल अंश के जो है क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। हमेशा ये आप लोग को ध्यान रखना है कि विलेन का आंशिक दाब उसके मूल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी विलेन होगी उस विलेन में दो अंग होंगे जरूर, ठीक है। तो अब इसमें द्रव का द्रव में विलेन देखिए क्या है, ठीक है। तो द्रव का द्रव में विलेन अब देखिए क्या है आगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे यदि मैं एक पात्र ले लेता हूँ, है ना, एक पात्र ले लिया, ठीक है। अभी इसी पात्र से आपको मैं ग्राफ भी समझा दूंगा और इसी पात्र से मैं आपको इसका थ्योरी भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसमें हमने दो एंगी विलेन ले ली, ठीक है, दो एंगी विलेन ले ली और ऊपर से हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ऊपर से हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। तो अब देखिए क्या होगा कि इसमें जो बनने वाला गैस होगा, है ना, इस पे जो है दाब प्रेषित करेगा, इस पे दाब प्रेषित करेगा। तो जब दाब प्रेषित करेगा तो हम क्या करेंगे कि हमको बताया गया है विलयन राउल्ट के नियम के अनुसार क्या कि उसका आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती है। यानी कि हम यह कह सकते हैं जब इसमें दो अंग के विलयन है यानी कि पूरा प्रेशर यानी कि पी कुल इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, यह हमारा पहला समीकरण बन सकता है। हाँ, अब उसके बाद जो है देखिए अगले पॉइंट पे अब हम ग्राफ का जो है निर्माण करेंगे, यहीं पे हम ग्राफ का जो है निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ के निर्माण में क्या है कि जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, है ना, जब ऐसे हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक यानी कि जो P1 प्रोपोर्शनल क्या होगा X1, तब जब प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो P1 इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट देखिए, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब P1 हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट प्राप्त होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जब ये हटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके बाद, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये पी जो प्राप्त हुआ इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी नोड वन। देखिए अगर P से लिखेंगे तो जो दूसरा वाला हमारा वैल्यू होगा उसको भी हमको P से लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अब देखिए दूसरा जो द्विअंगी विलयन है उसका जो हमको वैल्यू P2 इक्वल टू जो हमको प्रोपोर्शनल हटाने पे हमको प्राप्त हो रहा है क्या, पी नोड टू, इसीलिए हमको देखिए इसको नोड लगाना पड़ा, ठीक है। नहीं तो P2 ये भी है, P2 ये भी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा X2। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो पी कुल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। देखिए हमारा ग्राफ इधर का है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं X1 इक्वल टू 1 और X2 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं X2 इक्वल टू 1 और X1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ये बताया गया कि पी कुल यानी कि यहाँ पे पी कुल इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखिए P1 का वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुआ है, पी कुल इक्वल टू, तो पी कुल इक्वल टू हमको P1 का वैल्यू प्राप्त हुआ है क्या, पी नोड वन X1 प्लस पी नोड टू X2। अब देखिए जब हम ये वैल्यू देख रहे हैं, है ना, तो हम पढ़े हैं क्या कि X1 इक्वल टू 1 माइनस X2, है ना, यानी कि X1 की जगह पर हम 1 माइनस क्या रख सकते हैं X2। तो पी कुल इक्वल टू पी नोड वन 1 माइनस X2 प्लस पी नोड टू X2, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी कुल इक्वल टू इसका इसमें कैलकुलेशन कर दीजिए या गुणा कर देंगे तो X2 और पी नोड 1 और पी नोड टू X2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ से हमको प्राप्त हो रहा है क्या,
एक्स टू, ठीक है, एक्स टू प्राप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पी कुल इक्वल टू, पी कुल इक्वल टू यहाँ पे हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या, पी नोड वन है ना, पी नोड वन माइनस पी नोड वन प्लस पी नोड टू, एक्स टू को हम बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा एक का मिल गया, फार्मूला मिल गया, ठीक है ना, जो राउल्ट नियम को जो है फॉलो करता है और ये राउल्ट नियम जो है कहलाता भी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट नियम, और इसी पे हमारा जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा, ठीक है। अब एक्स टू का मतलब और एक्स वन का मतलब आप लोग जानते हैं कि यदि दो प्रकार का विलयन है तो दो मोल लेंथ होगा, दो प्रकार का विलयन है यानी कि दो अंग है उसमें, तो दो प्रेशर भी होगा। पी नोड वन यानी कि कांस्टेंट निकालने के बाद भी दो प्रकार के हमारे कांस्टेंट प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम अपने फार्मूला को जो है प्राप्त कर लिए। देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है परीक्षा में आप लोग के, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हमारा अगला पॉइंट यही है, इसमें थोड़ा सा बताना है कि यदि यदि दो मोल अंश वाले कांस्टेंट है यानी कि दो जो द्विअंगी है हमारे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो आप लोग को p कुल इक्वल टू प्राप्त हो रहा है ना, p कुल इक्वल टू अगर यह गैसीय अवस्था में हो तो क्या करेंगे, ये गैसीय अवस्था में होंगे तो हम क्या करते हैं, p1 इक्वल टू y1 और लिखेंगे क्या, p कुल, ठीक है। अगर p2 गैसीय अवस्था में हो तो y2 p कुल, है ना, यानी कि एक ये फैक्टर बन रहा है, फैक्टर बन रहा है यानी कि पी आई इक्वल टू वाई आई पी कुल, ये हमारा जो है एक प्रकार का नियम जो है, तीनों ये तीनों जो है नियम हमारे एक प्रकार के इस द्रव का द्रव में जो विलयन का एक प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि गैसीय अवस्था में दिया रहेगा तो मोल अंश को जो है निकाल के हम वाई वन वाई टू की जगह पे जो है रख के डायरेक्ट पी वन और पी टू या पी कुल का मान जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी थी। अब जो है हम लोग अगले पॉइंट पर जो है चलते हैं। देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। देखिए द्रव का द्रव में विलयन, अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा पॉइंट है राउल्ट का नियम एवं हेनरी के नियम की विशेष स्थिति। देखिए इसमें कोई विशेष स्थिति है नहीं, लेकिन यह एक दूसरे के बराबर अवस्थे हैं। राउल्ट का नियम है यह है कि P है ना, P इक्वल टू P1, P नोड वन और X1 है ना, और हेनरी के नियम में क्या है, PH X1, ठीक है। तो ये दोनों नियम है एक दूसरे से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, है ना, p इक्वल टू इतना इसका वैल्यू है और p इक्वल टू इसका इतना वैल्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या रखते हैं, समानता जो है रखते हैं, यही इसके बीच में जो है संबंध है। देखिए कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, मोल अंश ये भी है, मोल अंश ये है, आंशिक दाब ये भी है, आंशिक दाब ये भी है, तो इस तरीके से यह एक दूसरे के बीच क्या रखते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट यह था कि द्रवों का या ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प दाब। देखिए इसको हम पढ़ेंगे, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उसका आंशिक उसका वाष्प दाब, ठीक है, रेडी कर लेते हैं। ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थों का द्रव में, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प दाब ठीक है। अब ठोस पदार्थों का
ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प पदार्थ, जो कि द्रव विलयन का वाष्प पदार्थ का दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जिसको हमने पहले पॉइंट को पढ़ लिया राहुल के नियम के अनुसार। अब इसको जो है आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प पदार्थ, ठीक है। देखिए ठोस पदार्थों का ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उसका वाष्प पदार्थ, ये भी जो है राउल्ट नियम पर ही फॉलो करता है। ऐसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो प्रकार का पात्र ले लेते हैं, एक में हम क्या लेते हैं, शुद्ध विलायक लेते हैं, है ना, शुद्ध विलायक लेते हैं। तो जब हम शुद्ध विलायक लेते हैं तो देखते हैं कि विलायक के जो कण होते हैं यहाँ पे केवल विलायक के कण जो है स्थान घेरे रहते हैं, ठीक है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि विलायक के कण केवल स्थान घेरे रहते हैं, यानी कि इस पे जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा। लेकिन जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि हम केवल विलायक लेते हैं, अगर वाटर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे काफी अधिक मात्रा में जो है यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा, काफी अधिक मात्रा में वाष्प यहाँ पर बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि इसके साथ हम यूरिया, है ना, यदि हम इसके साथ यूरिया या चीनी की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो इसमें बनने वाला जो गैस है वो कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए बताया गया है कि चीनी, नमक, ये सब क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है, तो ये जल्दी वाष्प बनने नहीं देगा। यानी कि इस दूसरे पॉइंट में भी राउल्ट का ही नियम है, बस इसमें ये बताया गया है कि जो विलायक शुद्ध विलायक होगा उसमें वेपर प्रेशर अत्यधिक मात्रा में बनेगा, और जिसमें जैसे चीनी, शुगर ये सब मिला दिया जाए तो चीनी हुआ, शुगर हुआ, ये ही होता है, और नमक मिला दिए तो इसमें क्या होगा कि अधिक मात्रा में जो है वाष्प दाब जो है नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट इसके अंतर्गत बताना था आप लोगों को। अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए इसमें भी यही बताया गया है कि किसी विलयन के प्रत्येक आंशिक दाब जो है उसके मोल अंश के जो है बराबर होते हैं, इसमें भी वही बताया गया। तो यदि हम किसी विलायक में यदि हम उस पदार्थ को मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब को जो है कम कर देता है ना, तो यही चीज हमको देखना था। अब देखिए अब हमको पढ़ना है आदर्श एवं अनादर्श जो है विलयन, ठीक है। तो देखिए इसको हम जानते हो आसानी से, पहला पॉइंट आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और दूसरा पॉइंट अनादर्श विलयन, ठीक है। देखिए आदर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट का नियम फॉलो करते हैं, जो राउल्ट का नियम जो है फॉलो करते हैं, है ना, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन, ठीक है। तो आदर्श विलयन को और अनादर्श विलयन को एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए अभी इसका बस पॉइंट बताया गया है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब देखिए इसके बाद जो है अनादर्श विलयन के बारे में जो है कुछ गुण, चार पांच गुण इसको जो है बताया गया है, और अनादर्श विलयन यहीं पर समाप्त हो जाता है। आदर्श विलयन एक समाप्त हो जाता है कि वे विलयन जो राउल्ट का नियम फॉलो करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और अनादर्श विलयन के बारे में जो है मैं कल आप लोगों को इसी तरीके से इसी वीडियो में जो है अगले वीडियो में मैं जो है बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आगे का वीडियो जो है बना सकूं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगले वाले पॉइंट को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।